चलिए फिर से आ गई है मेरी लॉन्ग वीडियो की झुक झुक गाड़ी। तो इस पे फटाफट से बैठ जाइए और आज हम बनाएंगे दही कढ़ी तड़का। यानी आज हम दही वाली कढ़ी बनाएंगे और उसमें तड़का लगाएंगे। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी पर बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट जाती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लाई है लॉन्ग वीडियो। तो पहले हम इसकी सेव बनाएंगे। तो सेव के लिए मैंने लिया है बेसन, उसमें डाला है नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसे अच्छा सा थिक पेस्ट पानी डाल के बनाना है। फिर एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और इस तरह की पूड़ी छानने वाली जो पौनी यानी कि कलछी होती है हम सबके घर में उसे ले लेंगे। अब उस पर इस बेसन को रखेंगे और हाथों की सहायता से प्रेस करते हुए ऑयल में गिराएंगे। देखिए सेव काफ़ी अच्छा लंबा लंबा गिरता है इससे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे सेव छान लिए हैं। अब इसको अलट पलट के 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे, ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अब इसे तेल में से निकाल लेंगे। तेल में से निकालने के बाद इसे साइड में रख देंगे। अब जिस बर्तन में हमने पहले बेसन घोला था उसी बर्तन में वापस से मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद मैंने लिया है इसमें एक छोटी कटोरी दही का, इसके साथ भी इसे अच्छे से फेंट लूँगी। अब इसे हमें पतला करना है, तो 1 ग्लास पानी डाल के मैंने इस बैटर को पतला कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब पैन में लेंगे ऑयल, मैंने राई का तेल यूज़ किया, आप चाहे जो भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम अपने बैटर को डालने से पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसे भून लेंगे। फिर डाल देंगे जो पतला वाला बैटर था वो, फिर उसमें डालेंगे हल्दी और नमक और इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हमें कुक करना है ताकि इसमें गुटलियाँ ना पड़े। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो उसमें कभी कभी गुटलियाँ पड़ जाती है, तो इसे कंटिन्यूस चलाइए। अभी ठीक हो गया है यानी पक गया है, तो इसमें हमने जो सेव छाना था उसे डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए कुक कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। बस अभी रेडी हो गया, अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने एक कलछी में लिया है थोड़ा सा बटर, और बटर गर्म होने के बाद मैंने इसमें यूज़ किया थोड़ा सा ऑयल राई का, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसमें अब हम डालेंगे जीरा, उसके बाद हम डालेंगे राई, और मैंने 2 लाल सूखी हुई मिर्च ली है, आप चाहे तो टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे हींग। अब तड़का लगाएंगे, तड़का मारने के बाद इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। बस हमारी दही कढ़ी जो है रेडी है, वो भी तड़के के साथ। तो आप इंजॉय कीजिए इस कढ़ी की रेसिपी को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।